हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एक्रीडिटेशन सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लिपस्टिक मोल्ड। लिपस्टिक मोल्ड भी एक कॉम्पिटिटर फंगस है जो हमें ड्यूरिंग मशरूम कल्टीवेशन देखने को मिलती है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं लिपस्टिक मोल्ड। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिपस्टिक मोल्ड। ये एक कॉम्पिटिटर फंगस है, मशरूम कल्टीवेशन के वक्त हमें ये देखने को मिलती है। इसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है स्पोरोडोनिमा परप्यूरासेंस, स्पोरोडोनिमा परप्यूरासेंस। सो लिपस्टिक मोल्ड बेसिकली जब स्पॉन्ड्रन होता है या ड्यूरिंग केसिंग में हमें ये देखने को मिलती है। ये फंगस हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मशरूम माइलियम से। इनिशियली ये छोटे छोटे कॉटनी बॉल्स बनाती है, व्हाइट कॉटनी बॉल्स बनाती है जो बिल्कुल पिनहेड की तरह होते हैं। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे पिनहेड ये मशरूम की तरह बनाएंगे, बाद में ये सारे एक केसिंग सरफेस के ऊपर अपना कलर प्रोड्यूस कर देते हैं, स्पोर अपना कलर प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि एक डिस्टिंक्टिव पिंक टू चेरी रेड कलर होता है। तो ये इजीली हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो लिपस्टिक मोल्ड बेसिकली, अगर आप ओल्ड या डिकम्पोज चिकन मेन्योर ले रहे हैं तो लिपस्टिक मोल्ड के आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। या आपकी जो कंपोस्ट वेट कंपोस्ट है, थोड़ा उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो लिपस्टिक मोल्ड के आने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। आप या तो बहुत पुराना चिकन मेन्योर ले रहे हैं या ऑलरेडी डिकम्पोज चिकन मेन्योर ले रहे हैं, क्लियर, या आपकी कंपोस्ट वेट है। ये तीन रीजन है जिसके कारण से लिपस्टिक मोल्ड आती है। ये फंगस बड़ी स्लो स्प्रेड करती है स्लोली, और एक वेल कॉलोनाइज छोटी छोटी कॉलोनीज बना लेती हैं, और ये स्पोर के थ्रू डिसेमिनेशन यानी कि स्पोर के थ्रू स्प्रेड होती है, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के हेल्प से भी ये स्प्रेड हो सकती है। जैसे एक जिसके स्पोर इजिली एयर डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। स्पॉन्ड्रन इसका इसकी इसकी अपीयरेंस की वजह से जो स्पॉन्ड्रन है वो बहुत स्लो होता है, जो कि आगे जाके प्रोडक्शन पे यील्ड पे इफेक्ट करता है। ये ज्यादातर हार्वेस्ट पीरियड में अगर ये आ जाती है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर ये स्पॉन्ड्रन के टाइम पे आएगी तो इसका इफेक्ट होगा, अगर ये हार्वेस्ट के टाइम पे आएगी तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। हार्वेस्टिंग में ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देगी यील्ड पे, अगर स्पॉन्ड्रन के टाइम पे आती है तो ये यील्ड पे इफेक्ट करेगी। कल्चर प्रैक्टिस, बहुत सारी अथॉरिटीज कहती हैं कि अगर हम पेस्टराइजेशन 65 डिग्री पे करें, जो कि हम 60 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, रिकमेंडेड है, तो शायद ये ना आए। बट इससे अगर हम 65 पे करते हैं, लिपस्टिक मोल्ड तो नहीं आएगी, बट दूसरी अदर मोल्ड्स के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इसलिए हम इसे नहीं करते। तो इसकी प्रिवेंशन कल्चर प्रैक्टिस यही है, आप ज्यादा पुराना चिकन मेन्योर नहीं यूज करेंगे, ऑलरेडी डिग्रेडेड चिकन मेन्योर यूज नहीं करेंगे, चिकन मेन्योर में ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपकी जो खाद बनती है उसमें ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर पेस्टराइज आप अपनी कंपोस्ट को कीजिए, तो लिपस्टिक मोल्ड के आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। फर्दर अगर ये आ जाती है तो आप फॉर्मलिन यूज कर सकते हैं, 2% फॉर्मलिन यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द टू ट्रीट द लिपस्टिक मोल्ड। आप सिर्फ इन्फेस्टेड, क्योंकि ये छोटे 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 पैच प्रोड्यूस करती है, आप उन्हीं एरिए को ट्रीट कर सकते हैं फॉर्मलिन से। सो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर टिकी मोल्ड। फर्दर आगे अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।